दोस्तों वीवो की V23 सीरीज़ की लॉन्चिंग इंडिया में कंफर्म हो चुकी है। 5 जनवरी को ये फ़ोन इंडिया में लॉन्च होगा। V23 सीरीज़ में आपको दो फोन्स देखने को मिलेंगे, V23 और वीवो V23 प्रो। इस बार आपको वीवो की जो V23 सीरीज़ होगी वो काफ़ी ज़्यादा अपग्रेड देखने को मिलेगी एज़ कम्पेयर टू वीवो V21 सीरीज़ से। और V23 सीरीज़ जो होगी वो बहुत ही ज़्यादा स्टाइलिश है, उसमें आपको प्रीमियम लुक्स देखने को मिल जाएगा, बेस्ट कैमरा भी आपको देखने को मिलेगा। साथ में आपको इस फ़ोन के बैक पैनल में कलर चेंजिंग टेक्नोलॉजी भी देखने को मिल जाएगी। तो आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि V23 प्रो के बारे में, जो कि एक रिब्रांडेड फ़ोन होगा वीवो S12 प्रो का, जो कि चाइना में ऑलरेडी लॉन्च हो चुका है। तो वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, वीडियो का एंड तक जरूर देखिएगा मेरे दोस्त, और वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक शेयर जरूर करिएगा। तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो हम सबसे पहले देखते हैं इस फ़ोन के लुक्स एंड डिज़ाइन को। तो यहाँ पर आपको लुक्स और डिज़ाइन काफ़ी ज़्यादा स्टाइलिश और प्रीमियम देखने को मिलने वाला है। साथ में आपको इस फ़ोन के बैक पैनल में कलर चेंजिंग टेक्नोलॉजी भी देखने को मिलेगी। बैक पैनल में जैसे ही टेम्परेचर सेंस होगा तो आपको इस फ़ोन का जो कलर होगा वो थोड़ा सा चेंज देखने को मिलेगा। और ये फ़ोन आपको दो कलर में देखने को मिल जाएगा, सनशाइन गोल्ड और स्टार्डर ब्लैक में। और इस फ़ोन का जो लुक्स होगा वो काफ़ी अच्छा आपको देखने को मिलेगा। और ये फ़ोन काफ़ी लाइट वेट भी होने वाला है। इस फ़ोन का जो वेट होगा वो आपको 171 ग्राम देखने को मिल जाएगा, और काफ़ी ज़्यादा लेस थिकनेस के साथ ही आपको फ़ोन देखने को मिलेगा। इस फ़ोन की जो थिकनेस होगी वो आपको 7.36 mm देखने को मिल जाएगी, बहुत ही स्लिमेस्ट फ़ोन होगा। तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि ये फ़ोन का जो लुक्स है, जो स्टाइल है और इन हैंड फील जो है इस फ़ोन की, बहुत ही अच्छी होने वाली है। और फ़ोन के बैक में आपको ट्रिपल रियर कैमरे का सपोर्ट देखने को मिलेगा LED फ्लैश के साथ। साथ में आपको वीवो की ब्रांडिंग भी देखने को मिल जाएगी। इस फ़ोन के डिस्प्ले की बात करें तो यहाँ पर आपको 6.5 इंच का सुपर एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिलता है फुल HD+ रेजोल्यूशन के साथ। साथ में आपको इस डिस्प्ले में HDR10+ का सपोर्ट भी देखने को मिलेगा। 90Hz का आपको ये डिस्प्ले देखने को मिलेगा, मतलब इस फ़ोन में आपको स्मूथनेस के साथ ना ब्राइटनेस लेवल भी काफ़ी अच्छा देखने को मिलने वाला है, क्योंकि इस फ़ोन में आपको 1300 निट्स तक की पीक ब्राइटनेस देखने को मिलेगी। तो अगर आप इस फ़ोन को आउटडोर भी यूज़ करते हैं तो नो डाउट ब्राइटनेस को लेकर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये फ़ोन आपको 3D कर्व्ड शेप में देखने को मिलेगा, तो लुकिंग वाइज भी फ़ोन काफ़ी अच्छा होगा। और यहाँ पर आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट का सपोर्ट भी देखने को मिलेगा। साथ में प्रोटेक्शन की बात करें तो कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास का प्रोटेक्शन भी देखने को मिल जाएगा। तो नो डाउट जो डिस्प्ले क्वालिटी है वो काफ़ी अमेजिंग होगी, काफ़ी अच्छा डिस्प्ले आपको इस फ़ोन में देखने को मिलने वाला है। और अगर हम इस फ़ोन के प्रोसेसर को देखें तो इस फ़ोन में आपको MediaTek का Dimensity 1200 देखने को मिल जाएगा, जो कि काफ़ी पावरफुल प्रोसेसर है, 6 nm के आर्किटेक्चर पर बेस्ड होगा। और इस फ़ोन में आपको रैम LPDDR4X देखने को मिल जाएगी। साथ में यहाँ पर आपको स्टोरेज टाइप UFS 3.1 देखने को मिलेगा। और यहाँ पर GPU की बात करें तो GPU आपको माली G77 MC9 देखने को मिलेगा। फ़ोन आपको Android 11 पे बेस्ड देखने को मिलेगा, और ओरिजिन OS का सपोर्ट आपको इस फ़ोन में देखने को मिल जाएगा। अगर हम रैम और स्टोरेज को देखें तो फ़ोन में आपको 8GB 128GB लोएस्ट वेरियंट देखने को मिलेगा, और हाइस्ट वेरियंट 12GB 256GB तक देखने को मिल जाएगा। साथ में आपको यहाँ पर डायनेमिक रैम का भी ऑप्शन देखने को मिलेगा, गेमिंग एक्सपीरियंस को इंक्रीज़ करने के लिए 4GB तक आपको डायनेमिक रैम का ऑप्शन भी देखने को मिल जाएगा। तो नो डाउट जो प्रोसेसर है वो काफ़ी पावरफुल है, काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस आपको इस फ़ोन में देखने को मिलेगी। अगर आप हाई ग्राफिक्स के गेम भी खेलते हैं इस फ़ोन में, HD सेटिंग पे भी खेलेंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगी। इस फ़ोन में आपको कार्ड स्लॉट का ऑप्शन देखने को नहीं मिलने वाला है, और 3.5 mm का जो हेडफोन जैक होगा वो भी आपको इस फ़ोन में देखने को नहीं मिलेगा। और अगर हम कैमरे को देखें तो इस फ़ोन में बैक में आपको ट्रिपल रियर कैमरे का सपोर्ट देखने को मिलेगा। फ़ोन में इस बार आपको काफ़ी अपग्रेड कैमरा देखने को मिलने वाला है। 108 MP का आपको मेन कैमरा देखने को मिलेगा, साथ में 8 MP का अल्ट्रावाइड और 2 MP का मैक्रो कैमरा देखने को मिल जाएगा। बैक कैमरे से आप 4K वीडियो तक रिकॉर्ड कर सकते हैं। साथ में आपको कैमरे में डिफरेंट टाइप के ऑप्शंस भी काफ़ी सारे देखने को मिल जाएंगे। फ्रंट में बात करें तो यहाँ पर आपको ड्यूल सेल्फी कैमरा देखने को मिलेगा, जिसमें आपको एक कैमरा 44 MP का देखने को मिलेगा और 8 MP का अल्ट्रावाइड कैमरा देखने को मिल जाएगा। साथ में फ्रंट में ड्यूल LED फ्लैश का भी ऑप्शन देखने को मिलेगा, और फ्रंट कैमरे से भी आप 4K वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। नो डाउट जो वीवो के कैमरेज होते हैं वो काफ़ी अच्छे होते हैं। अगर आप इस फ़ोन से वीडियोग्राफी करते हैं या फोटोग्राफी भी करते हैं तो आपको काफ़ी अच्छा इस फ़ोन का रिस्पांस देखने को मिलने वाला है। अगर हम इस फ़ोन की बैटरी को देखें तो फ़ोन में आपको 4300 mAh की एक शानदार बैटरी देखने को मिलेगी, और 44W का आपको एक फास्ट चार्जर देखने को मिल जाएगा। और अगर हम इस फ़ोन की लॉन्चिंग डेट की बात करें, जो कि ऑलरेडी कन्फर्म हो चुकी है, 5 जनवरी को ये फ़ोन इंडिया में लॉन्च होगा। और अगर प्राइस को देखें तो वीवो V20 सीरीज़ का जो प्रो मॉडल होगा उसकी प्राइस आपको 35,000 से 40,000 के रेंज में देखने को मिलेगी, और वहीं वीवो V23 जो बेस मॉडल होगा वो आपको 30,000 से 35,000 तक के रेंज में देखने को मिलेगा। तो दोस्तों आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि वीडियो आपको कैसा लगा, और आपको फोन का कौन सा फीचर्स ज्यादा अच्छा लग रहा है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए विद बेल आइकन। मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।